नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विकी। आप देख रहे हैं आर्ट बालाघाट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट माजदा एल्बम सीट 12x18 या फिर रेंडम साइज जो आपको बेहतर लगे वह चीज कैसे बनाते हैं, चीजें इसमें कैसे काम करती है, कौन कौन सी इसमें प्रोसेस है, कैसे कैसे काम करना होगा। इस वाली थंबनेल को आपने वीडियो में सामने देखा होगा कि ये चीज मैंने कैसे बनाया है। इस वाली चीज का PhD फाइल मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाओ यार जाके वहां से डाउनलोड कर लो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से। वहां पर आपको चीजें समझ में आ जाएगी कौन कौन सी चीजें कहां पर है, और ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए। वेबसाइट में जाओ और जाके डाउनलोड कर सकते हो। हो सकता है चीजें धीरे मिले, लेकिन वहां पर लगभग मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको चीजें। तो देखेंगे कि इस वाली चीज को मैंने कैसे बनाया है, कौन कौन सी चीज है। बिल्कुल बेसिक है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो सकता है, क्या पता है हमारे कौन से काम आ जाए। एल्बम के फ्रंट पेज में लगाया जा सकता है, बीच में लगाया जा सकता है, आपकी जहां मर्जी हो वैसे इसको सेट कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। तो देखते हैं इस चीज को कैसे बनाना है, क्या क्या प्रोसेस है। उससे पहले बता दूं कि अभी तक आपने हमारा चैनल आर्ट बालाघाट का सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां पे रेगुलर फोटोशॉप से रिलेटेड वीडियोस में आप सभी लोगों के लिए लेके आते रहता हूं। सब्सक्राइब के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा दी जाने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। अब बात करते हैं कि कुछ वीडियोस के नीचे कुछ लोगों ने कमेंट किए, बहुत ही अच्छे थे और बहुत गंदे भी थे। तो इसमें मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों के लिए स्पेशली ट्यूटोरियल नहीं बना सकता, और जितना बना रहा हूं इतना काफी बेहतर है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो कि एडवांस सीखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ही बेसिक सीखना चाहते हैं। तो यहां पर सभी लोगों के हिसाब से सभी चीजें डिपेंड करती है। जरूरी नहीं है कि आपको जो चीज पसंद है वही चीज मैं एक्यूरेट डालूं, जो चीज यहां पर लोग चाहते हैं, जितने ज्यादा लोगों का ओपिनियन होगा उस हिसाब से चीजें मैं प्रोवाइड कर पाऊंगा। तो बस आज के लिए सिर्फ यही चीज थी। अब देखते हैं इस वाली चीज को मैंने कैसे बनाया। तो ये फर्स्ट फोटो है, इसको मैं यहां से क्लोज कर देने वाला, और यहां पर PhD फाइल में देखेंगे यहां से कितनी सारी चीज थी, क्या क्या थी, सारी चीजों को मैं यहां से ग्रुप में करके दिखाऊंगा। जैसे कि यहां से फोटो बंद करूंगा तो बैकग्राउंड ऐसा रेंडमली आपको मिल जाएगा। सबसे पहले यहां सबको क्लोज कर देने वाला, रेंडम बैकग्राउंड को मैं डाउनलोड कर लेता हूं। यहां पर डाउनलोड कर लेने के बाद में देखेंगे कि ये चीज कंप्लीटली आ चुका है। अब बिल्कुल ही आसानी से आपको दो फोटो लेना है, जो आपकी इच्छा वो चीज कर सकते हैं आप, यहां पर आप अपनी मर्जी से कर पाएंगे। यहां से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में फोटो आ चुकी है, ये मुझे इतनी फोटो की जरूरत है इसलिए इतनी, और यहां पर मुझे इतनी की जरूरत पड़ने वाली है तो इसे मैं सिलेक्ट करके यहां ला लेने वाला हूं। अब यहां रख देने के बाद में देखेंगे इसको थोड़ा सा मैं ड्रैग कर देने वाला हूं, और इसको थोड़ा सा जूम करूंगा, इतना जूम कर देता हूं, और यहां से मैं इसको ग्रुप है तो इसको डिलीट करके ग्रुप को डिलीट कर देने वाला हूं। ग्रुप को डिलीट कर दूंगा जैसे ही मैं, तो ये रेंडम लेयर दोनों स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, तो इसको रिलीज करके एस्ट्राइज लेयर में ला लेता हूं। यहां से देखेंगे इसको थोड़ा सा नीचे लाऊंगा, मैं थोड़ा नीचे लाना चाहता हूं, तो ये कंट्रोल और कोष्टक की बटन के साथ आप इसको नीचे ला सकते हैं। यहां तक ला लूंगा, और उसके बाद यहां से मैं कुछ चीजों को इरेज करूंगा। यहां इरेजर टूल में आया और ये वाला टूल सिलेक्ट किया, और यहां से मैं इसको इरेज कर देता हूं हल्का हल्का, जितना मुझे जरूरत लगे उतना मैं इरेज कर दूंगा इसे। ध्यानपूर्वक चीजों को समझेंगे तो बेहद ही आसान है, कोई भी कठिन चीज नहीं है। इरेज कर लेने के बाद इसको थोड़ा सा और बड़ा करना चाहता हूं, मुझे लगता है कितना बेहतर होगा, और यहां से इस लेयर मोड को चेंज करके इधर क्लिक कर देंगे, और यहां इमेज में आएंगे एडजस्टमेंट और ब्राइटनेस में आने के बाद इसको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देंगे, बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे और ओके कर देंगे। ये बेहतर ऑप्शन हो सकता है। हो सकता है चीजें बहुत फास्ट बता रहा हूं, लेकिन बहुत ही बेसिक है, बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है, आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाएगी। अभी मैंने क्या किया, इस वाले लेयर पर रहते हुए इसको सिलेक्ट किया, तो ये फर्स्ट वाला लेयर है, देख लेंगे आप ये लेयर है। यहां से इस वाले टूल पे आया, इसको मैं यहां से क्रॉप कर देने वाला हूं इतना, और क्रॉप कर देने के बाद डिलीट कर दूंगा टूल को सिलेक्ट कर लेने के बाद में। अब ये इरेसर टूल में वापस आया, ये लेयर को बिल्कुल नॉर्मल लेयर में रहने देना है, कोई भी इसमें कुछ वर्क नहीं करना है, और यहां से इरेज करने वाला हूं मैं इसको, इतना इरेज कर देता हूं जितना मुझे सुविधा अनुसार मुझे जो बेहतर लगेगा वो ऑप्शन में चूज करूंगा, ये मेरी मर्जी पर डिपेंड करता है। ये इसको थोड़ा सा मैं टर्न करने वाला हूँ, ये इधर टर्न किया, और इसको थोड़ा ज्यादा जूम करूंगा मैं, मुझे कितनी फोटो की जरूरत है उतना मैं जूम कर लूंगा इसको, यहां तक जूम कर लेता हूं, और इसको थोड़ा सा नीचे करूंगा कोष्टक और कंट्रोल की बटन के साथ, प्लस माइनस के नीचे पे जो साइड में जो रहती है उस वाली बटन को आप छेड़ेंगे तो यहां पे आपको चीजें समझ में आ जाएगी। और वापस इसको यहीं रहने देने वाला हूं, और ये इतना ही मुझे चाहिए है, और यहां से अब मैं इसमें चीजें काम करने लगूंगा। जैसे कि इसको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाऊंगा यहां तक मुझे लगता है ओके, और इधर पे आएंगे वापस इमेज एडजस्टमेंट, और यहां फिल्टर का एक ऑप्शन है फोटो फिल्टर का, इसमें सिलेक्ट करूंगा, और यहां से देखेंगे आप इसमें एज ए वर्क कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहां पर मैं येलो कलर का थोड़ा सा लगाना चाहता हूं, ये वाला कलर बेहतर हो सकता है,
बहुत ज्यादा नहीं पर मुझे थोड़ा सा चाहिए होगा। कंट्रोल यू का बटन दबाएंगे और यहाँ से थोड़ा सा इसका कलर और बदल देंगे और इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे और देखेंगे वापस से बेहतर कलर में आ चुका है। और इसको फिल्टर भी आप चाहे तो कर सकते हैं, मैं अभी नहीं करना चाहता फिल्टर, अगर मैं करूंगा तो थोड़ा सा अलग लगने लगेगा। ये चीज हो गई कंप्लीटली। अब यहाँ पर कंट्रोल अल्टर शिफ्ट और ई की बटन के साथ एक स्नैपशॉट ले लेंगे और इसमें चलाएंगे फिल्टर। फिल्टर चलाने के लिए ये यहाँ पे एक बेसिक फिल्टर है, इसको मैं सिलेक्ट करके फिल्टर कर दूंगा तो देखेंगे यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन में ये चीज आने लग जाएगी और ये फिल्टर होके कम्प्लीटली तैयार हो चुका है। तो ये बेसिक था, कितना बेहतरीन तरीके से हमने छोटी छोटी चीजों को ऐड करते हुए बहुत ही अच्छा एक सीट बना लिया। और यहाँ पर कुछ नाम लिख सकते हैं, कुछ और भी डाल सकते हैं। तो बस यार फिलहाल के लिए सिर्फ यही चीज थी। कैसा लगा ट्यूटोरियल कमेंट करके जरूर बताना। आपको पीएचडी फाइल चाहिए होगी तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आओ, बात करो मुझसे। मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं तुमसे बात कर सकूं तो जरूर बात करूंगा। उम्मीद है कि मैं आपका रिप्लाई कर पाऊंगा। और कमेंट कर दो यार कि कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आर्ट बालाघाट को। तो बस यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय भीम।